हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है सेल्फ हीलिंग। को पता है कि मुझे अर्थराइटिस है जिसमें मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन में रहती है, पर मैं ये वाली चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को हील करने की कोशिश में हूँ जो कि काम करता है। यस, मेरी पेन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, पर जो मेरा माइंड सेट है, जो मेरी एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील होता है। एंड एवरी डे मुझे इतने सारे कमेंट आते हैं मेरी आरे की वीडियो पे, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको कोई क्रॉनिक पेन या कोई डिजीज़ नहीं भी है, तब भी आपको ये चीज़ें ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। अगर आप यंग हैं, ज़रूरी नहीं है एक्चुअली, पर कई बार आप बिल्कुल डिफरेंट किस्म के इंसान हो सकते हैं, पर जब आपकी अद्धी ज़िंदगी निकल जाती है ना, तो अचानक से आपको एक स्विच ऑन हो जाता है ना, बिल्कुल डिफरेंट सोचने वाला बंदा बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कोई दोस्त है, आप और वो कितने गुफी हुआ करते थे, आप अभी भी वैसे हैं, पर आप उनसे मिले तो वो बिल्कुल बदल चुके हैं, क्योंकि आपको आपकी कर्मा एकदम से बदल देते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप डिफरेंट इंसान बन जाएंगे एक दिन। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कल आप बिल्कुल डिफरेंट थे, आज आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे भी आपकी उम्र बढ़ रही है, आप में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो ये भी वन ऑफ दोज हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट बार में अपने विचार ज़रूर से बताना। आपके विचार जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ हीलिंग सुनने में ही बहुत प्यारा है। सेल्फ हीलिंग का मतलब है अपने आप को अपने आप ठीक करना, खुद से हील करना। सेल्फ हीलिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी इमोशनल ट्रॉमे से गुजर रहे हैं, या मेंटल, या फिर किसी फिजिकल पेन में हैं। यस, आप मेडिकेशन पे रह सकते हैं। सेल्फ हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बीमार हैं और आप गोलियां सोट दें और कहें कि मैं सेल्फ हील करके ही ठीक हो जाऊंगा। को बूस्ट की हेल्प होती है, पर उसके साथ आप कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप को खुद से हील करना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि ज़िंदगी जब आपकी अद्धी गुजर जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसे होता है, आपको पता नहीं चलता है कि आपका जो दिमाग है वो क्या सोच रहा है। मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सेल्फ हीलिंग हर एक चीज़ के लिए काम करेगी, वो सिर्फ मेंटल हेल्थ का जो ट्रॉमा है जो किसी को दिख नहीं रहा, या फिर कुछ ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम है जो किसी और को दिख नहीं रही पर आप उससे डील कर रहे हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी चीज़ों को हील कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अपनी पेन को आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो डायग्नोज हो चुका है, कंग्रेचुलेशन। बट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है और आप अच्छा फील नहीं करते हैं, हमेशा उदास रहते हैं एंड दिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो देयर इज सम अंडरलाइन कॉजेस। को सेल्फ हीलिंग हेल्प करती है एड्रेस करने के लिए सारे इश्यूज जिनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। मैंने किसी पास्ट की वीडियो में बताया था कि जब मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ था, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है एंड कौन सी चीज़ें मैं कर सकती हूँ जिससे मैं अपने आप को थोड़ा हील करूँ एंड अच्छा फील करूँ एंड एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरी सिचुएशन कैसी है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपको कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जिए, क्योंकि जैसे आपने चीज़ें प्लान की होती हैं वैसे नहीं होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिल हर्ट होता है। एंड एक्सेप्ट करना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, पर मैंने कोशिश की एंड स्टिल इन प्रोसेस, बट यस, कुछ कुछ कामयाबी मिली है। सो इस रिसर्च के चलते मुझे पता चला कि कोई भी आपको जब हेल्थ कंडीशन होती है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर से होता है। अभी चक्रास के बारे में मैंने बहुत बार बताया, चक्रास बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी भी किस्म का स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी या फिर ऐसी किसी भी चीज़ में जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों का कनेक्शन मिलेगा। सो चक्रास हमारे शरीर में बहुत सारे हैं एंड बहुत सारी नाड़ियां हैं, पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं वो है 7 चक्रा। पेल्विक के पास से शुरू होके हमारे क्राउन एरिया तक आते हैं। अभी ये सारे चक्रास का कुछ ना कुछ पर्पस है एंड ये किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड है। हर एक चक्रा का कुछ लाइफ साइकिल होता है। सो जब आप पैदा होते हैं, तो आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही चक्र एक्टिवेट होता है, वो है रूट चक्रा। वो 7 ईयर्स तक वही रहता है एंड जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपका 7 ईयर्स तक आपके साथ चल रहा है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है या कोई अब्यूज़ है, वो सारा उसमें स्टोर होता रहता है। रूट चक्रा इतना ज़्यादा अमेजिंग है कि उससे आपके बारे में सिर्फ इसी जन्म की नॉलेज नहीं है, उसे पास के बहुत सारे जन्मों की नॉलेज है।
पास्ट के बहुत सारे कर्मा, पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास, एंड ऑल्सो आपके इस जन्म के जो फोर फादर्स हैं उनका ट्रॉमा भी उसमें स्टोर्ड है. सो इतने सारे ट्रॉमास के साथ भरा हुआ वो रूट चक्र आपको क्लॉक कर देता है एंड वो एनर्जी को रोक देता है. जब ऐसी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो ऊपर वाले सारे चक्रास को रेडिएट करना और उनकी सर्कुलेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो उसके चलते आपको अपने चक्रा को हील करने की ज़रूरत है. अभी रूट चक्रा को कैसे हील करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पर हम चक्रास के बारे में बात फ्यूचर में करेंगे. पर ये सेल्फ हीलिंग में ही आता है. कोई भी किस्म की ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना आपके रूट चक्रा को हील करता है. एंड रूट चक्रा के बैलेंस में नहीं होने के साइंस क्या हैं? बहुत सारे साइंस हैं, पर सबसे ज़्यादा पहला है कि आप एथिकली सोचते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों में उलझे रहते हैं एंड ऊपर के लेवल की चीज़ें नहीं सोचते हैं. बहुत ज़्यादा एंगर होती है आप में. बहुत सारे साइंस हैं जिसके बारे में हम फ्यूचर में एक स्पेशल वीडियो में बात करेंगे, पर यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मतलब यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, रूट कॉज क्या है. जैसे हमारा रूट चक्र इतनी सारी मेमोरी रखता है, अगर हम हमारे रूट चक्र को हील करना शुरू कर दें सेल्फ हीलिंग की मदद से, सिर्फ ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करके, नेचर में समय बिताने से आपका रूट चक्र बहुत खिलता है. आपने देखा होगा कि जब आप नेचर में समय स्पेंड करते हैं कितना पीसफुल एंड सूदिंग लगता है, उस समय आपका रूट चक्र हील हो रहा होता है. सो जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि आप किस वजह से ये पेन में हैं, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी तरह की पेन हो सकती है, जब आपको लग गया कि ये इशू हो सकता है, अब बारी आती है उस इशू को रिजॉल्व करने की. उस इशू को रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सबसे पहला तरीका है लेट इट गो. आसान नहीं है, मुश्किल है, पर आप कर सकते हैं. और अगर उस अंडरलाइन इशू के साथ जुड़ा हुआ कोई इंसान है तो उसको आपको फॉरगिव करना पड़ेगा. हम फॉरगिव इसलिए नहीं करते हैं कि That person deserve forgiveness. हम forgive इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर anger, aggression, वो चीज़ों को दबा के नहीं रखना चाहते. उनको suppress करने से भी हमारी health ख़राब होती है. ये भी बहुत सारी diseases का issue है कि हम हमारी anger को छुपा के रखते हैं. So उसको let it go करें. समय लगेगा पर exercises से वो चीज़ें solve होनी शुरू हो जाएंगी. सो किसी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, उनके लिए नहीं. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे हैं, पर अगर आप फॉरगिव कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. मैंने पहले भी बताया है कि जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं वो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है. धीरे धीरे जब आप फॉरगिव करना शुरू कर देंगे वो आपके सबकॉन्शियस से जाएगी. अगर फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके साथ लिंगर करेगी इस जन्म में एंड आने वाले बहुत सारे जन्मों में. अगर आपको किसी सोल ने दुख दिया है तो वो आप नहीं चाहेंगे कि आने वाले जन्मों में भी वो आपको मिले. सो फॉरगिव कर दें, फॉरगेट मत करें, क्योंकि फॉरगेट करेंगे तो फिर आप अपने आप को वैसी ही सिचुएशन में दोबारा डाल लेंगे जो हम नहीं चाहते हैं. सो फॉरगिव कर दें, आगे की तरफ बढ़ें. सो नहीं फॉरगिव करके ऐसा है कि जहर आप पी रहे हैं और चाहते हैं कोई और मर जाए, जहर आप ही के बॉडी में फैल रहा है. सो फॉरगिव कर दें. आई नो इट्स वेरी हार्ड बट वी कैन डू इट. किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करें. फिजिकल जब आप कुछ करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं एंड फुलफिलमेंट फील होती है आपको. और अपने शरीर की देखभाल करना और अपने शरीर के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बॉडी मिली है जो आपकी पूरी मदद कर रही है इस अर्थ पे. आपके हाथ पैर सारा कुछ उनकी टेक केयर करें, योगा करें, जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छी लगती है. अगर आपको खेलना अच्छा लगता है आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, कुछ भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हील करने के लिए. अगला है जो कुछ भी खाते हैं अच्छा खाएं, कोशिश करें कम खाएं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, इतना खाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है. जो भी आपके पेट में जाए वो अच्छा न्यूट्रिशनल हो एंड आपकी हेल्थ को अच्छा सर्व करें, वो भी सेल्फ हेल्प में आता है. अगर आप अपनी देखभाल करना शुरू कर देना मेंटल हेल्थ की, अपनी बॉडी की, आप देखेंगे कि आप में एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जो आपको हमेशा नींद आती रहती है या लेथार्जिक फील करते हैं वो भी ठीक हो जाता है एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है जब आप कम खाना शुरू कर देते हैं. एंड हेल्दी चॉइसेस, आप हेयर देयर टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट बड्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, सारी सेंसेस को यूज़ करें, पर या कम खाएं.
अगला है कि पॉजिटिव माइंडसेट को फॉलो करें. पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान नहीं है, पर आप कर सकते हैं. जब आप थॉट्स क्रिएट करते हैं वो रियलिटी बन जाते हैं. अगर आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे वैसे ही आपकी रियलिटी होगी. आपको भूल के भी अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहिए, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें. जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो नॉर्मल है, हम सबको आते हैं, तो वहीं पे अपने आप को कट करके पॉजिटिव थॉट से उसको चेंज कर दें. भूल के भी लोगों के बारे में बुरा मत बोलें या सोचें, क्योंकि वो बहुत डैमेजिंग है आपके लिए और आप बहुत बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं. कर्मा सिर्फ करने से नहीं होता है, वचन और मन से भी होता है. सो किसी भी तरह से बुरा कर्मा मत क्रिएट करें. अगला है कि किसी भी किस्म की माइंडफुलनेस या मेडिटेशन ज़रूर से फॉलो करें. माइंडफुलनेस आपको पीस देती है अंदर से, आप हैप्पी फील करते हैं, आप कॉन्शियसली इंजॉय करते हैं कि आपके पास क्या क्या है. आप में ग्रैटिट्यूड बढ़ जाता है और आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं जो आपको पहले नहीं दिखती थी. क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, हमारी प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं ज़िंदगी किसी और के जैसा जीना, जैसे वो जी रहे हैं. ये पॉसिबल नहीं है, राइट? हर एक बंदा डिफरेंट है. हम जब कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं, जेलसी आ जाती है एंड वो सारे इमोशंस आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए. सो ज़िंदगी अपने ढंग से जिए, अपने तौर तरीके के हिसाब से अच्छी है अच्छी, बुरी है बुरी ही, एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहें. सो इसके लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत हेल्प करती है किसी भी किस्म की. अगर आप रिलीजियस हैं तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से साधना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, पाठ पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है. क्योंकि ये सारी चीज़ें करना आपको सेम ही डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाला है. सभी चीज़ों की मंजिल एक ही है. अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, तो सिर्फ ध्यान ही आपको सेम जगह पे लेके जा सकता है. खुद को हील कर सकते हैं सेल्फ कंपैशन से, अपने आप को प्यार से देखा करें. अगर आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगे. जब आप खुद को प्यार करने के काबिल हो जाते हैं तभी आपके पास प्यार होता है लोगों को देने के लिए. सो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करें. जब आप अपने आप को प्यार करेंगे, जैसे भी हैं आप, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो आप तैयार हो जाएंगे अपने आप को हील करने के लिए एंड लोगों को प्यार करने के लिए भी. लास्ट में एक ही टिप देना चाहती हूँ, वो है अच्छी नींद सोए. जब आप अच्छा सोते हैं तो आपकी बॉडी खुद से हील होती है. स्पेशली अगर आप किसी क्रॉनिक पेन में हैं, अगर इल हैं, तो आप सो के अपने आप को हील कर सकते हैं. एंड एक्चुअली आई डोंट नो मैं इस वीडियो में क्या कहना चाहती थी और क्या मैंने बोला है, क्योंकि मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की है कि मुझे क्या क्या बोलना है. सो यस दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड सेल्फ हीलिंग की जर्नी पे जल्दी से आ जाएं. जितना जल्दी आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, अपना इनर वर्क करना शुरू कर देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा है. आप इस दुनिया में जो कुछ भी कमाते हैं, आपकी मनी, मटीरियल, चीज़ें, वो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, ये आपको पता होगा. पर जिस किस्म की भी आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ध्यान करते हैं, जो भी नाम लेते हैं, वो सारा ही आपका अच्छा बैंक बैलेंस बन रहा है. वो हमेशा आपके साथ जाएगा, ना कम ना ज़्यादा, जितना भी आप करेंगे वो आपके साथ रहेगा. इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा थॉट भी मत क्रिएट करें, क्योंकि वो भी काउंट हो जाता है आपके अकाउंट में, जो आपको नहीं चाहिए. सो यस दोस्तों, आई होप आपको ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपके पास कोई टिप्स है मेरे लिए, ज़रूर से उसे कमेंट बार में छोड़ना. एंड अगर आप मेरे से कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में. अपना ख्याल रखें. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.